फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम है, कहता है कॉस 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉसिक 30 डिग्री। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है, पिवट टेबल से वैल्यू देखकर इसमें पुट करनी है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। चलो देखते हैं, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री 1 बाय अंडर रूट 2, कितना 1 बाय अंडर रूट 2 अपॉन, ठीक है, सीकेंट 30 डिग्री, ये रहा हमारे पास सीकेंट, ये रहा हमारे पास 30 डिग्री, 2 बाय अंडर रूट 3, 2 बाय अंडर रूट 3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री कितना हमारे पास 2, कितना 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, अपॉन में 1 मान लेता हूं क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं इसको, क्या हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, जब इसका इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 3, 1 का एलसीएम अंडर रूट 3, ठीक है, कितना होता है अंडर रूट 3। ठीक है, ये लाइन मैंने मार दी, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 1, अंडर रूट 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाता है, साइन कौन सा है प्लस का, अंडर रूट 3 को 1 से डिवाइड किया तो अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 3 आ गया, 2 अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। अब क्या करना है हमने सिंपली, ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे नीचे वाली होती है वो ऊपर के साथ जाके मल्टीप्लाई होती है, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 3 ऊपर चला गया, मतलब अंडर रूट 3 इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन, ये क्या हमारे पास अंडर रूट 2 यहाँ पे पहले से ही है, लिख लिया मैंने, अब ये स्टेटमेंट जो है ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी ना, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको सही से तरह से लिखूं तो अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आया, अंडर रूट 3 आ गया अपॉन, अंडर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 2 आ गया, उसके बाद अंडर रूट 2 को 2 से 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 अंडर रूट 6। अब हमें पता है अंडर रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं, 2 3 6 आ गया अंडर रूट 6 में। देखो ये आइडेंटिटी है, ये अंडर रूट ए होगा जब अंडर रूट बी होगा, जब अंडर रूट ए अंडर रूट बी होगा तो क्या होगा, अंडर रूट में ए इंटू बी हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे अंडर रूट ए क्या था, मतलब अंडर रूट ए था अंडर रूट 2, ठीक है, और बी क्या था अंडर रूट 3, तो यहाँ पे ए 2 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास बन गई, अब यहीं पे आंसर नहीं खत्म हो जाता है कि चलो आ गया ये हमारा आंसर है, नहीं, अभी क्या है डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट है तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट हम लोग नहीं रखते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, यहां से अगर अंडर रूट को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट को साइन हटाकर, साइन जो यहाँ प्लस है तो माइनस लगाकर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, रैशनलाइज करना है अंडर रूट 3, रैशनलाइज क्या करोगे, यही स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, रैशनलाइज क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इस स्टेटमेंट से साइन उल्टे करके, मतलब 2 अंडर रूट 2 है ना, साइन प्लस का तो यहाँ माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन में भी, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये चीज़ आ गई। अब इसको कर देते हैं सॉल्व, मल्टीप्लाई है तो पहले अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस स्टेटमेंट से, मतलब 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है अपॉन, उसके बाद ये वाले स्टेटमेंट, ये वाले स्टेटमेंट, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान में देखो, ये क्या है 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये क्या है 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, मतलब ये देखो ये वाले 2 अंडर रूट 2 और ये 2 अंडर रूट 6 दोनों सेम है, बस साइन का फर्क है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, तो मतलब क्या बन गया 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी कौन सा हमारे पास 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया, ये स्टेटमेंट आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 है, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, चलो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया 2 अंडर रूट, देखो दो तो एडिटिव आएगा, अंडर रूट वाले अंडर रूट से मल्टीप्लाई होंगे ना, 3 दूनी 6 अंडर रूट में 6 आ गया, उसके बाद साइन कौन सा पे माइनस का, तो मैंने माइनस लगा दिया, अंडर रूट 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2, तो एज इट इज आ गया अंडर रूट 3 इंटू 6 18, 3 छिके 18, ठीक है, ये आ गया अंडर रूट में आपका 18 अपॉन, इसको करेंगे तो 2 का
स्क्वायर कितना होगा 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखो एक चीज आप सीख लो यहाँ पे, क्या होता है 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब ऐसे होगा, इसका मतलब होता है 2 का भी स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटू अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर। अब स्क्वायर का अंडर रूट कट जाता है तो ये कितना 2 × 4, ये कितना हो गया 2, कितना आ गया आपके पास 8। समझ में आया, मतलब 2 × 4 और इसका भी तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का जितने भी स्टेटमेंट सबका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो 4 × 8 यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 माइनस, तो इसी तरह क्या हो गया, ये भी 2 × 4 अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 6 आ गया, मतलब 4 × 6 = 24 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले 2 √6 माइनस 2 √18 अपॉन में 24 में से 8 गए माइनस 16 हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस है तो ये भी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा प्लस, तो इसको प्लस कैसे कर सकते हैं, इसको काटना पड़ेगा, मतलब यहां से माइनस को कॉमन निकालेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे। अब देखो यहां पे कॉमन निकालते हैं क्या, माइनस और कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 भी निकाल सकते हैं ना, देखो 2 इसमें भी 2 इसमें, तो माइनस 2 मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा, माइनस अंडर रूट 6 बचा, यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 18 क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया ना, अपॉन में क्या आपके पास माइनस 16 है, तो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसल, ये 2 से ये 16 कैंसिल हो गया, मतलब 8 आ गया, 2 × 8 = 16 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया आपके पास। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पता है क्या, 18 का जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ, तो 2 × 2 = 18 3 × 3 = 3 इसके फैक्टर बना दिए मैंने 2 × 3 × 3 ठीक है, ये फैक्टर बन गए, मतलब 18 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, चलो लिखते हैं। ये देखो मैं 18 को पहले लिख लेता हूँ, अंडर रूट 18 लिख लेता हूँ, तो माइनस 6 बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बाद 8 लिख लिया। अब 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कुछ 2 × 3 × 3 ये क्या है अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8, 2 × 3 तो मैंने क्या करना है, एक बार लिखना होता है, ठीक है, 2 बार है तो मतलब इसके ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो कितना बन गया हमारे पास, यहाँ पे बन गया आपके पास 3 √2 − √6 अपॉन में 8, ये क्या है हमारे पास आंसर। ठीक है, 3 √2 − 6 अपॉन 8 ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।